So guys, do you think that this week is terrible for Hindi cinema? Because in the previous video, हमने बात की थी about the death of Irfan Khan के बारे में और आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे the cause of death of Rishi Kapoor जी के बारे में कि उनकी डेथ क्यों हुई, उनको क्या डिसीज थी। सो आज बेसिकली डिटेल में हम उस डिसीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ऋषि कपूर जी जिनका एक बहुत ही ग्लोरियस करियर था इन द वर्ल्ड ऑफ हिंदी सिनेमा, उन्होंने बहुत सारी मस्त मस्त मूवीज बनाई थी जैसे कि बॉबी, अमर अकबर एंथनी एंड 102 नॉट आउट, लव आजकल एंड कपूर एंड सन। सो मोस्टली मैंने न्यू मूवीज ज़्यादा देखी हैं उनकी, सो बहुत अच्छी लगती थी मूवीज। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि उनको डिसीज क्या हुई थी। सो उनको 2018 में डायग्नोज किया गया था विद द कैंसर जिसका नाम था ल्यूकेमिया। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था इन द न्यूयॉर्क एक साल से और आफ्टर दैट ही बैक टू इंडिया। सो गाइज, ल्यूकेमिया जो है ये एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया में होता क्या है, ल्यूकेमिया में हमारा जो ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती हैं मेनली उनको अफेक्ट करता है ये ल्यूकेमिया। इसमें ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट एंड एनीमिया का मतलब होता है ब्लड। तो जो हमारी मेनली वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये उन पर अफेक्ट करता है। हमारे ब्लड के अंदर तीन टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है WBC, दूसरी RBC, तीसरी प्लेटलेट्स। तो WBC का काम होता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं उनसे लड़ने के लिए इम्यूनिटी बनाना। RBC का काम होता है जो ऑक्सीजन होती है उनको टिश्यूज तक पहुंचाना। और प्लेटलेट्स का काम होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब कि जब भी हमें कभी चोट लगती है तो ब्लड अपने आप ही रुक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसका काम करती है प्लेटलेट्स। बेसिकली ल्यूकेमिया होता क्या है, ल्यूकेमिया जो कि एक तरीके का मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है जो कि हमारे ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जैसे कि स्प्लीन को और वोन मैरो को इफेक्ट करता है। सो ये जो ल्यूकेमिया होता है ये चार टाइप का होता है। चार टाइप का कैसे है, पहले हम इसको दो में डिवाइड करेंगे और फिर दो में, ठीक है। तो ल्यूकेमिया एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में जो पेशेंट के अंदर सिम्टम आते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपेयर होते हैं, और इन द क्रोनिक ल्यूकेमिया जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत स्लोली स्लोली आते हैं, ठीक है। टाइम लगता है सिम्टम्स को अपेयर होने में। दूसरा माइलॉइड और लिम्फॉइड, मतलब कि जब हम ल्यूकेमिया को देखते हैं, मतलब कि उसके टाइप्स को क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तो क्या होता है इनके क्लासिफिकेशन, AML, ALL, CML, CLL। मतलब कि अब इसका मतलब क्या हुआ, ALL एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। CML का मतलब क्या हुआ, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। सो इस तरीके से लिम्फॉइड में मतलब कि ये हमारी जो लिम्फॉइड सेल्स होती है उन पे अफेक्ट करता है, माइलॉइड मतलब कि हमारी जो RBC प्लेटलेट्स होती है इन पे अफेक्ट करता है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है पेशेंट को, इसमें पेशेंट की हेपेटोमिगैली हो जाती है, मतलब कि उसका जो लिवर है वो बड़ा हो जाता है। स्प्लीनोमिगैली हो जाती है, मतलब कि उसका जो स्प्लीन है वो साइज में बड़ा हो जाता है, उसका इनलार्जमेंट होने लगता है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। सो दीज ऑल आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द ल्यूकेमिया। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स अबाउट द ल्यूकेमिया, बट ल्यूकेमिया बहुत बड़ा टॉपिक है। ये पैथोलॉजी का मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक था, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे लगते थे मुझे। और बेसिकली हम ये सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ते हैं अपने BHMS के पूरे सिलेबस में। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी लोगों को डिसीज के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैं आपको रिसेंट वीडियो में बताया था जो मैंने अपलोड की थी रिलेटेड टू द इरफान खान डेथ, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी भी डिसीज को किसी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है याद रखना, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।